पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन मिजोरम में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया द्वारा खुद को काला कौवा बताए जाने पर टिप्पणी करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा, हमारे यहाँ तो कौवे को अपशगुन माना जाता है और शास्त्रों में कौवे को लेकर अलग अलग परिभाषाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई बेरोजगारी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए अन्य मुद्दों का सहारा लेती है। उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने बताया कि मोदी मैजिक अब खत्म होने की कगार पर है। देखिए, चार राज्यों में तो मेरा स्वयं का अनुभव, 8 दिन रह के अभी छत्तीसगढ़ से आया हूँ, मिजोरम नहीं गया, 2/3 से ज्यादा बहुमत से छत्तीसगढ़ में, लगभग थोड़ा इसी के आसपास मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुमत के साथ, और तेलंगाना का भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि शून्य पे बीजेपी चली जाए और हम चार राज्यों में अपने दम पर सरकार बना रहे हैं।